त्योहारों के आते ही घर पर मीठे मीठे पकवान बनने लगते हैं, पर फिर भी वीगन लोग त्योहारों का आनंद नहीं उठा पाते क्योंकि घर पर खोए और घी का इस्तेमाल होता है। तो आज की जो रेसिपी है वो खास उन लोगों के लिए है जो दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ना चाहते हैं। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हम लेंगे 1/3 कप आटा, 1/4 कप बारीक सूजी का, और फिर डालेंगे पिसी हुई इलायची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हरी सौंफ का। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम नारियल के दूध में घोल लेंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे ताकि आटे में गुठलियां ना बने। इस बैटर को हम तब तक फेटेंगे जब तक ये स्मूथ ना हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक भी नहीं रखेंगे। अब इस बैटर को ढककर रख देंगे। तो चलिए तब तक के लिए हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन में 1 कप पानी गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें 2 कप चीनी डालेंगे, थोड़ी सी इलायची पाउडर और रंग के लिए हल्दी या केसर, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से घुल नहीं जाती। आपको पता चल जाएगा कि चाशनी बनके तैयार हो गई है जब आपकी उंगलियों के बीच में वो चिपकनी शुरू हो जाए। हमारा बैटर भी तैयार हो गया होगा। अब मालपुहे फ्राई करते हैं। अब हम पैन में 2 कप नारियल तेल डालेंगे और उसे मीडियम सेक पर गर्म कर लेंगे। अब मैं करछी की मदद से बैटर को पैन के बिल्कुल बीचों बीच डालूंगी। मालपुआ को दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है। इसका रंग देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे एक साफ प्लेट में निकाल लूंगी। मालपुहे को चाशनी में डालने से पहले मैंने चाशनी को हल्का सा गुनगुना कर लिया है। अब फ्राई किए हुए मालपुहों को चाशनी में लगभग 2 से 4 मिनट तक के लिए सोक करने छोड़ देंगे। मालपुहे हो गए तैयार। अब इसको गार्निश करने के लिए मैंने काजू और पिस्ता इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद कोई और ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ इस रेसिपी से आपकी होली में और भी रंग भर जाएगा, और साथ ही साथ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।